खुली दूर खुली जो है जनता जो है पुलिस की नाक आंख और कान हो गई है। लगातार वहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, फोटोग्राफ आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, लगातार दूर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में इस वक्त की जो खबर है, जो पद्मनाभपुर चौकी था, जो प्रभार के रूप में था, आज उसको थाना के रूप में देखने को मिलेगा। आइए जानते, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पद्मनाभपुर जो चौकी है उसको थाना का जो दर्जा मिला है उस पर पीछे में जो पदाधिकारीगण हैं वो मौजूद है। जी अरुण भैया जी बताएंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर जो पद्मनाभपुर जो चौकी है उसको पूरा पावर मिल गया है थाने का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम विधानसभा में लगातार मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते रहे, गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते रहे कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका होते जा रहा है, यहाँ पर थाने की आवश्यकता है, पुलिस बल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आज से 31 वर्ष पूर्व मोतीलाल वोरा जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यहाँ पर चौकी की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक ये यहाँ पर चौकी के रूप में है। और अभी वर्तमान में हमारे भूपेश बघेल जी ने और गृह मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी तो थाना का वो हुआ और बजट में हमने 50 लाख रुपए इसमें स्वीकृत कराए हैं, तो आगामी वर्ष में इसका बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चालू होगा 50 लाख की लागत से। और ये सड़क भी यहाँ पर नहीं थी, पहुँच मार्ग, उस सड़क का भी निर्माण कराया है। तो लंबे समय से यहाँ पर चौकी होने के बावजूद भी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहा? नहीं, वही अब सुविधाओं का की पूर्ति होने जा रही है। अभी बीच में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया, गृह मंत्री को अवगत कराया और अभी 50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, इसका निर्माण होगा, पुलिस बल बढ़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में के शासनकाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भाजपा के शासनकाल में असुरक्षित महसूस करते थे, उसी का परिणाम है कि जहाँ जहाँ चौकी है वहाँ चौकी खोली जा रही है। लेकिन देखने को मिला है आम जनता को राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ सुविधाएँ चाहिए। देखिए, शासन का काम सुविधा देना होता है और मतदाताओं ने हमको सुविधा देने की जवाबदारी दी है तो हमको अपनी जवाबदारी का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि 15 साल तक नहीं हुआ। दुर्ग निगम के महापौर जी हमारे सामने में हैं, आइए जानते हैं जी, मतलब जो चौकी था वो थाना में बदल गया है, अभी आपको कैसे लग रहा है? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को, हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री रामदास साहू जी को और दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण वोरा जी को, जिनकी लगातार कई सालों से ये मांग थी कि ये जो चौकी है इसको थाने में तब्दील की जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र इस एरिया में रहता है और जब चौकी से थाना बनता है तो पुलिस बल बढ़ जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ती आबादी को देखते हुए ये बहुत ही बड़ी बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी होने जा रही है। पूरे आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर खुशी की लहर है। मैं बहुत बहुत पुनः सभी हमारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं इस कड़ी पे जिस कार्यक्रम अभी जो सभा लगने वाली है, अब हमारे दुर्ग के एसपी सर है जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं, उसके कामों से ही पूरे शहर में एक लहर सी है, क्राइम के तरफ लगातार सर का जो ध्यान है वो आम जनता में आकर्षण का कारण बन रहा है। सर, अभी जैसे कि जो प्रभारी था चौकी, जो प्रभारी था वो थाना में बदल गया, सर अभी आप क्या बोलते हैं? इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। पहले यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होता था, जीरो में होता था, फिर थाने में जाके रजिस्टर को टाइम लग जाता था, जो एंटी सोशल लोग हैं उनको पकड़ने में देरी होती थी। अब यहीं पर थाना हो जाएगा तो लोग आके सीधा शिकायत करेंगे, सीधा FIR होगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, करीब 15 वार्ड और करीब 2 ग्राम पंचायत को इससे फ़ायदा मिलेगा। जो शासन की नीति है कि शासन की सुविधाएं जन जन तक उनके पास जाके पहुंचे, उसमें एक बड़ा कदम है। अभी ये चौकी यूनियन होकर थाना बना है, 2 चौकी स्वीकृत हुआ है, आज एक बुलगांव क्षेत्र में चौकी का भी उद्घाटन होना है, तो निश्चित रूप से जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा और कानून व्यवस्था इम्प्रूव होगा और जो अपराध पे जो है नियंत्रण होने में सफलता मिलेगी। सर, चौकी को थाना का तो दर्जा मिल गया है सर, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का अभाव बहुत दिखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से शासन अभी बजट है, बजट में चीज़ों को रखा जाएगा, धीरे धीरे करके सुविधाएं व्यक्त कराई जाएंगी, नागरिकों को सुविधा हो वो हमारी प्रथम जो है प्रायोरिटी है। सर, इसके लिए कहाँ से फंडिंग तैयार? मुख्यालय को उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, जल्दी ही मुख्यालय से स्वीकृति मिलेगी तो आगे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। सर, आगे यहाँ पर और कमरा जैसे बनाएंगे जहाँ पर आरोपी को रखा जाए, क्योंकि सुविधाओं का अभाव, वहीं पर पुलिस अपना कार्य करती है
वहीं पर आरोपी गण रहते हैं। सारा व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है अभी, क्योंकि तत्कालीन रूप से चौकी को थाने में उन्नयन किया गया, जनता को फायदा मिले, पुलिस वाले की सहूलियत के लिए पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। सर जैसे कि लगातार आप जो क्राइम पर लगातार आप काम कर रहे हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है सर, तो आगामी जो बच्चे इस क्राइम के दुनिया में कदम रख रहे हैं उसके लिए कोई छोटी सी संदेश सर? मेरा संदेश है कि अपराध की दुनिया में ना घुसे, पुलिस दुर्ग पुलिस जो है, जनता जो है पुलिस की आँख और कान हो गई है, लगातार वहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं और लगातार दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सर बेरोजगार टाइप में बच्चे जो है ज़्यादा इसमें सम्मिलित? बेरोजगारी जो है वो क्राइम का कारण नहीं है, बेरोजगारी के लिए जो है सरकार बहुत सम कदम उठाई है, हर आदमी मेहनत करेगा तो उसके पास रोजगार है, छोटा रोजगार बड़ा रोजगार हो सकता है, लालच में जो है शॉर्टकट को अपनाए युवक, उसके कारण वो क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं। दुर्ग पद्मनाभपुर चौकी को जिस तरह से जो चौकी था उसको थाना में परिवर्तन किया गया, आपने देखे किस तरह से यहाँ पर मंत्री आके यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम को संपन्न किए। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।